आप देख रहे हैं वार्ता 24। नमस्कार, वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ मिश्रा। अब बात करते हैं उस खबर की जो खुशी भरी है। जी हां, युवाओं के लिए एक खुशी भरी खबर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई है। लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया को लेकर जिस तरह सवाल खड़े हो रहे थे, वो प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 53,000 सिपाहियों की भर्ती परीक्षा की बात कही है, जिसके बाद लंबे समय से जो युवा तैयारी कर रहे थे, दौड़ की तैयारी कर रहे थे, तमाम तरीके से वो तैयारी कर रहे थे, उनके लिए ये खबर खास है। साथ ही साथ तमाम वो विपक्षी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, जो सरकार पर भर्तियों को लेकर सवाल खड़ा कर रही थी, उस पर भी विराम लग रहा है। हालांकि विपक्षी दलों को एक मौका जरूर मिल गया है कहने का। उनका कहना ये भी है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए ये भर्तियां निकाली गई हैं, लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया पहले से ही तय थी, जिसे आप प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और कुछ दिनों के बाद इसके एग्जाम्स होंगे और तमाम वो युवा दूर दूर से अपने घरों से निकलेंगे, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, ख्वाब देख रहे थे कि वो सरकारी नौकरी में आएं, उनके ख्वाब पूरे करने का काम अब उत्तर प्रदेश सरकार करने वाली है। जल्द ही ये प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होना है, तो आप अपनी तरफ से तैयारियों को तेज कर लीजिए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया आ चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और बड़ी खबर के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्ता 24।